तो इस फिल्म की कहानी शुरू होती है अहमदाबाद में रहने वाले सत्य प्रेम उर्फ सत्तू से, जो कि बेरोजगार है। LLB फाइनल ईयर में फेल होने के बाद वो फिलहाल घर पर ही अपने पापा, मम्मी और अपनी बहन के साथ रहता है। और अपने सारे दोस्तों की शादी हो जाने के चलते सत्तू मोहल्ले का इकलौता कुंवारा लड़का है। नाम तो वैसे सत्य प्रेम है, लेकिन लोग प्यार से सत्तू बुलाते हैं, बस कोई प्यार से बात नहीं करता। उसके घर का तो सिस्टम ही अलग है, क्योंकि वो और उसके पिता घर का काम संभालते हैं और माँ और बहन घर का खर्चा चलाते हैं। दरअसल उसकी माँ और बहन गरबा क्लासेस देती है, मतलब कि गरबा सिखाने का काम करती है। और फिल्म की शुरुआत से ही ये तो क्लियर हो ही जाता है कि सत्तू की सिर्फ एक ही तमन्ना है कि अब उसकी भी शादी हो जाए। रोजाना वह सिर्फ इसी बात के सपने देखता है। और ऐसा नहीं है कि सत्तू को कोई लड़की अभी तक पसंद नहीं आई, उसे एक लड़की पसंद आई थी। एक साल पहले सत्तू जब एक जलसे में गया था तो वहां उसने पहली बार कथा को देखा था, और उसे देखते ही सत्तू को उससे पहली नजर वाला प्यार हो गया था और उसे कथा बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी। यहां पर सत्तू ने कथा से बात करने की भी कोशिश की थी, पर बात शुरू होने से पहले ही कथा ने सत्तू को बता दिया था कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम तपन है, जिस पर कि सत्तू ने उससे कहा था कि तुम्हारा तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ हैशटैग भी नहीं बनता है, हैशटैग बनना चाहिए जैसे कि हम दोनों का नाम है, जैसे कि सत्य प्रेम की कथा। सत्तू यहां पर कथा से कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड के साथ कैसा रिलेशन है, मतलब कि लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है या फिर खाना पीना बस, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग रहना चाहता हूं। वो दोनों जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहां पर कथा का बॉयफ्रेंड तपन आ जाता है, और यहां पर जैसे ही तपन आता है तो वो कथा को अपने साथ ले जाता है, और उन्हें देखकर यहां पर सत्तू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और यही वो मुलाकात थी जब सत्तू कथा से आखिरी बार एक साल पहले मिला था। तो अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर कि हमें दिखाया जाता है कि सत्तू के लिए ना तो कोई लड़की मिल रही है और ना ही उसके घर वाले कोई एफर्ट डाल रहे हैं कि उसके लिए हम कोई लड़की ढूंढे। और सत्तू का जो इकलौता दोस्त होता है वो उसके पापा ही होते हैं। सत्तू यहां पर अपने पापा से हर एक बात शेयर कर लेता है। और सत्तू के जो पिता होते हैं उन्हें पंचायती चाचा कहा जाता है, क्योंकि उन्हें मोहल्ले की सारी बातें पता होती है। और इन्हीं बातों में से एक बात यहां पर वो अपने बेटे को बताते हैं। वो उसे कहते हैं कि कथा का अपने बॉयफ्रेंड तपन के साथ ब्रेकअप हो चुका है और अब वह पूरी तरह से सिंगल है। अब ये बात जानने के बाद सत्तू तुरंत ही जलसे में पहुंच जाता है, क्योंकि कथा हमेशा वहां पर परफॉर्म करती है, लेकिन इस बार कथा ने वहां पर परफॉर्म नहीं किया था। यहां पर सत्तू को कथा के पिता के द्वारा मालूम चलता है कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो अपने घर पर है। अब ये बात जानने के बाद सत्तू तुरंत ही कथा के घर पर पहुंच जाता है, क्योंकि वह उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था। अब जैसे ही सत्तू यहां पर कथा के घर पर पहुंचता है तो वह कथा को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि कथा तब रो रही थी और उसने एक ब्लेड से अपनी कलाई की एक नस भी काट ली थी। तब सत्तू ज्यादा देर ना करते हुए कथा को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाता है। यहां पर सत्तू को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की वजह से यह सब कुछ हुआ है। हॉस्पिटल में थोड़ी देर के बाद यहां पर कथा के पिता आते हैं। वो यहां पर सत्तू से मिलते हैं और उसे थैंक यू कहते हैं। सत्तू भी यहां पर कथा के पिता से बात करता है। कथा के पिता को भी सत्तू की बातें काफी अच्छी लग रही थीं। अब कुछ दिन बीतते हैं और सत्तू कथा के घर पर जाने लगा था, जहां पर वो उसके पेरेंट्स से भी मिलने लगा था, और कथा के पेरेंट्स को सत्तू काफी अच्छा लगा था। लेकिन कथा की हालत अभी भी वैसी की वैसी ही है। हालांकि सत्तू अब बहुत ज्यादा खुश रहने लगा था। अब कथा के पिता कथा की शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन उसकी शादी भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि जहां भी वो रिश्ता लेकर जाते हैं उन सभी लोगों को कथा के बॉयफ्रेंड तपन के बारे में मालूम होता है, जबकि कथा के पिता बहुत ज्यादा रिच होते हैं। और अचानक से उनके दिल में ख्याल आता है कि सत्य प्रेम ही हमारी कथा के लिए बेस्ट होगा। हालांकि कथा शादी के लिए राजी नहीं थी, लेकिन कथा के पिता ने कथा को किसी तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे राजी कर लेते हैं। और ज्यादा देर ना करते हुए कथा के पिता अगले ही दिन यहां पर सत्य प्रेम के घर पर रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद उन दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाती है। और अब जल्दी से दोनों की शादी की भी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक तरफ तो सत्तू शादी की तैयारी में बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन दूसरी तरफ कथा यहां पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी मर्जी से शादी थोड़ी हो रही थी। वो तो अपने पिता के कहने पर यह शादी कर रही थी, लेकिन सत्तू तो इस शादी से बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसका तो यह सपना था कि वो कथा से शादी कर सके। और यहां पर फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों की फर्स्ट नाइट थी, और पर्सनल रूम ना होने के कारण सत्तू को अपनी सुहागरात की अरेंजमेंट उसकी मां के गरबे के स्टूडियो में की जाती है, जहां पर फुल AC थी। फर्स्ट नाइट को सत्तू कथा को बताता है कि वो अभी तक वर्जिन है, आज तक उसने किसी को टच भी नहीं किया, ना तो उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड बनी और ना ही उसने ऐसा कुछ किया है। यहां पर कथा उससे कहती है कि आज वो बहुत थक गई है, इसलिए वो सोना चाहती है, और वो सो जाती है।
दोनों यहां पर सो तो जाते हैं, लेकिन रात को फिर सत्तू अचानक से खर्राटे लेना शुरू कर देता है, जो कि उसकी आदत थी। लेकिन इन खर्राटों की वजह से कथा को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सत्तू को यहां से नीचे जाना पड़ता है अपने पिता के पास। और इसी तरह से कई सारे दिन बीत जाते हैं, जिससे ना तो सत्तू के खर्राटे बंद हो रहे थे और ना ही उसे कथा के साथ सोने का मौका मिल रहा था। लेकिन एक दिन फाइनली सत्तू यहां पर चाहता था कि वह कथा के साथ सोए, इसलिए वो कथा के नजदीक जाने की कोशिश करता है। लेकिन यहां पर कथा सत्तू को एक ऐसा कड़वा सच बताती है कि उसके आंखों से आंसू टपक जाते हैं। यहां पर कथा सत्तू को बताती है कि वो एसेक्सुअल है, मतलब कि इन लोगों में सेक्स करने की इच्छा कभी भी जाहिर नहीं होती है। और यहां पर कथा ने सत्तू को यह भी बताया था कि इसी कारण की वजह से मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ ब्रेकअप किया था। इन सारी बातों का सत्तू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तब वो अगले ही दिन कथा के पिता से मिलने के लिए चला जाता है और उन्हें इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। लेकिन यहां पर कथा के पिता सत्तू से कहते हैं कि यह भी हो सकता है कि शायद कथा तुमसे झूठ बोल रही हो। कथा के पिता यहां पर सत्तू को समझाते हैं कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इससे तुम समझ सकते हो कि उसकी मानसिक स्थिति किस लेवल की होगी। कथा के पिता सत्तू से कहते हैं कि तुम्हें उसे कंफर्टेबल रखना चाहिए, ये सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और तब से ही सत्तू कथा का ख्याल रखना शुरू कर देता है। अब सत्तू कथा को समझने की कोशिश करने लगता है, साथ में उसके साथ काफी सारा टाइम भी स्पेंड करने लगा था। दोनों आपस में बात करते हैं और यहां पर सत्तू कथा से जो मन में आता है वह बोल देता है, बिना सोचे समझे, क्योंकि ये उसकी आदत है कि सच बोलने से पहले सोचा नहीं जाता। सत्तू यहां पर कथा से काफी अच्छी अच्छी बातें करता है और कहीं ना कहीं अब कथा को सत्तू भी पसंद आने लगा था। वो धीरे धीरे करके बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लगे थे। और फिर एक दिन कथा चाहती है कि वो सत्तू को साथ सोए, इसलिए वो साथ सोते हैं। और कथा ने यहां पर सत्तू को यह भी बता दिया था कि वो एसेक्सुअल नहीं है। तब उनके बीच में फिर से नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। लेकिन अचानक से कथा को घबराहट होने लगती है और वो चिल्लाने लगती हैं कि ऐसा मत करो, जैसे कि मानो कोई उसका रेप कर रहा हो और सत्तू ये सब कुछ खड़ा होकर देख रहा था। और वो ये देखकर समझ गया था कि उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो समझ गया था कि पास्ट में जरूर कथा के साथ कुछ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है और वो उसे बताना नहीं चाहती है। अब इन सब की वजह से सत्तू बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगा था। तब अगले ही दिन सत्तू कथा के पिता के पास पहुंच जाता है और वो उनसे कहता है कि मुझे सिर्फ एक बात जाननी है कि आखिरकार कथा ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की थी। जिस पर कि कथा के पिता उससे कहते हैं कि अगर तेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो उसे दो चार थप्पड़ मार, वो लाइन पर आ जाएगी। लेकिन यह सुनने के बाद तो सत्तू का हाथ उठ जाता है। तब यहां पर कथा के पिता सत्तू को सारी सच्चाई बता देते हैं। वो उससे कहते हैं कि एक साल पहले कथा प्रेग्नेंट हो चुकी थी, तपन ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था, लेकिन तपन इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसका अबॉर्शन कराया गया। और इसी कारण के चलते कथा ने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। लेकिन कथा के पिता ने जो बताया उसमें भी सारी सच्चाई नहीं छुपी हुई थी, क्योंकि जिस तरह से कथा तड़पी थी वो तो तपन ही बता सकता है। इसलिए यहां पर सत्तू जो है वो दौड़ता हुआ तपन के ऑफिस पहुंच जाता है और से कुत्तों की तरह धोना शुरू कर देता है। सभी लोग उसे बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर सत्तू तपन को बहुत ज्यादा मारता है। इस वजह से सत्तू को जेल तो हो जाती है, लेकिन वो शाम को ही छूट जाता है और वापस अपने घर कथा के पास पहुंच जाता है। और कथा यहां पर सत्तू को रोते हुए सब कुछ सच सच बता देती है। वो उससे कहती हैं कि तपन के साथ वो एक डेट पर गई थी और वहां पर उसके साथ रेप हुआ था। वो कहती हैं कि उसने कई बार उसे मना भी किया था, लेकिन वह नहीं माना और उसका रेप कर दिया गया, और इसी रेप के कारण वह प्रेग्नेंट हो गई थी। और इस प्रेग्नेंट वाली बात को वह घर भी नहीं बताना चाहती थी, इसलिए उसने चुपचाप से अबॉर्शन करवा लिया। लेकिन एक डॉक्टर के द्वारा कथा के पिता को यह बात मालूम चल गई थी और तभी कथा ने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। और तब से ही वो किसी मर्द के आजू बाजू जाने में भी घबराती है, इसलिए वो तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकती। लेकिन सत्तू ने कथा को हर तरह से एक्सेप्ट कर लिया था। उसके पास जाने की उसे कोई भी जरूरत नहीं थी। सत्तू उसे एक लंबे वेकेशन पर ले जाता है जहां पर कि वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं, वो काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन दोनों की नजदीकियां काफी कम हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि कथा के साथ कुछ भी हो। वो कथा के साथ बेस 3 तक जाना ही नहीं चाहता, लेकिन इसका सॉल्यूशन तो ढूंढना ही होगा। अब अगले दिन उनके घर पर सत्यनारायण की कथा थी, जहां पर सत्तू एक कंप्लेन फाइल लेकर आता है जिसमें कि वो कथा के साइन चाहता था। लेकिन यहां पर उसके पिता और सत्तू के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ये सारी बातें समाज को मालूम चले। तब सत्तू सभी के सामने बताता है कि जब लड़कियों के रेप होते हैं तो 99% जो लड़कियां होती हैं वो कंप्लेंट फाइल नहीं कराती है इस चक्कर में, क्योंकि उनकी इज्जत खराब हो जाएगी। लेकिन इसी वजह से उन्हें इंसाफ भी नहीं मिलता है।
और वो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को खराब कर लेती है। और अगर आज कथा इस कंप्लेंट फाइल पर साइन नहीं करती है तो वो जिंदगी भर इस गिल्ट में रहने वाली है कि उसने कोशिश भी नहीं की थी। तब यहां पर कथा उस पर साइन कर देती है। यहां पर कथा सत्तू से यह भी कहती है कि उसके अंदर सुसाइड करने की हिम्मत तो थी लेकिन इस पेपर पर साइन करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन आखिरकार कथा ने उस पेपर पर साइन कर दिया था। और फिर कुछ दिनों के बाद तपन के लिए एक अरेस्ट वारंट निकलता है और आखिरकार उसे सजा हो जाती है। तो यह थी सत्य प्रेम की कथा फिल्म की स्टोरी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो यारो, ताकि मुझे ऐसे ही और भी वीडियोस बनाने का जुनून और जज्बा मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।